हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार इक्के गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज का मौसम है यार बहुत ही बढ़िया, बारिश हो रही है और इसी बारिश ने मेरी डाइट भी बिगाड़ दी है क्योंकि पंजाबी हम लोग हैं और आपको पता है यार पंजाबियों में जब तक चाय पकौड़े अंदर ना जाए बारिश के मौसम में तो बारिश अधूरी अधूरी सी लगती है। और खैर वो अलग बात है। और आज की वीडियो यार जो रहने वाली है काफ़ी मेरे पास मतलब लोग मेरे से पूछते हैं क्योंकि मेरे पास फैंसी नंबर है, उसको मैंने रिटेन करवाया था दूसरी कार पे। तो भाई उसका प्रोसेस क्या है, क्या फ़ीस लगती है, कैसे आप उसको रिटेन करवा सकते हो, या अगर आपको परचेज़ भी करना है तो उसका क्या प्रोसेस है? तो ये वो सारी बातें यार मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो। नहीं पसंद आए वो भी कमेंट करके बताना कि क्या नहीं पसंद आया, उस पर काम करते रहेंगे यार। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो यार पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको नंबर परचेज़ करना है, और ये मैं आपको यार दिल्ली का बताऊंगा, हर स्टेट का अपना अलग अलग है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल दिल्ली की बात करने वाला हूँ इसमें। सो बात करते हैं, अगर आपको नंबर परचेज़ करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की साइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप अपनी आईडी क्रिएट करो। आईडी क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1000 रुपीज़। ऑक्शन होता है क्योंकि इसमें ऑक्शन चलती है, पहले के टाइम पर ऑक्शन नहीं होती थी परचेज़ करने के लिए, पहले डायरेक्ट आप ब्रोकर के थ्रू लेते थे, बट अब गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया इसका। सो सब कुछ ऑनलाइन चलता है, कोई ब्रोकर बीच में नहीं आता, आते हैं उनके थ्रू आप करा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। जब गवर्नमेंट सब कुछ ऑनलाइन कर रही है तो आप ऑनलाइन करो ना यार, क्यों ब्रोकर के बीच में फंसना है आपको। सो उसके बाद यार रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपके पास एक UAN मैसेज आता है, यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसे हम कहते हैं, वो होता है ऑक्शन के लिए। सो आपके पास जब वो नंबर आ जाएगा आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम बेस वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, जैसे 0001 की बेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ है। सो 5 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑक्शन में बिडिंग जाती है, जिसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा हाई जाएगी उसको वो नंबर अलॉट हो जाता है, और जो मिनिमम बिडिंग होती है वो 10000 रुपीज़ होती है बिड वैल्यू। उसके बाद आपको मैसेज आएगा गवर्नमेंट के थ्रू, मैसेज आ जाता है कि हाँ जिसकी बिडिंग जितनी हाई है उसको वो नंबर अलॉट हो गया। फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये नंबर आपको अलॉट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, वो अलॉटमेंट लेटर लेके जो उनसी भी कार आपने परचेज़ करनी है आप वहाँ जा सकते हो, उनको वो अलॉटमेंट लेटर दो कि भाई ये रहा हमारा अलॉटमेंट लेटर, आप अपने थ्रू अपना हमको नंबर नहीं दोगे, हमारे पास ऑलरेडी नंबर हमने परचेज़ कर लिया है। तो बस वो अलॉटमेंट लेटर वो लगा देंगे उस फाइल में जब आप गाड़ी परचेज़ करोगे, बुकिंग कराओगे, और जब आप परचेज़ करोगे तो आपको ऑलरेडी वो नंबर पहले से ही लगा हुआ आएगा। टेम्परेरी नंबर पे आपको गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, पहले ही आपका सारा नंबर प्रोसीजर का काम हो चुका है। तो जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से निकलवाएंगे आपका फैंसी नंबर या VIP नंबर उसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ आएगा। सो ये बात थी परचेज़ की जगह, अगर आपको परचेज़ करना है नंबर। और कुछ जैसे आइडिया में बताया तो 2-3 नंबर का मेरे को रेट पता है, बाकी आप उनकी ऑनलाइन साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। 0001 का जो रेट है वो 5 लाख रुपीज़ है मिनिमम वैल्यू। 0002 से 0009 का जो रेट वो मिनिमम वैल्यू 3 लाख रुपीज़ है। और जो 1111, 2222, जो ये वाली सारी सीरीज़ है, जो मेरा भी 1111 है, उसकी मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है। उसके बाद आपकी बिडिंग स्टार्ट होगी, वो जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया। सो ये कुछ नंबर्स थे जो मेरे दिमाग में, जिनकी मेरे को करंट वैल्यू अभी पता है इस टाइम पे, बाकी आप जाके चेक कर सकते हो ऑनलाइन क्या क्या रेट चल रहा है, क्या वो सारी साइट आपको वो सारी जानकारी इस पर मिल जाएगी। परचेज़ करने का प्रोसेस ये है, अगर आपको परचेज़ करना है तो ऐसे परचेज़ होता है ऑक्शन के थ्रू। सो यार सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं कार रिटेंशन की, मतलब नंबर रिटेंशन की। नंबर रिटेंशन का मतलब होता है कि क्या आप अपनी ओल्ड कार का नंबर न्यू कार पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो। जी हाँ बिल्कुल करवा सकते हो, बट उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो नंबर यूज्ड कार पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अगर आपको आपका प्लान कर रहे हो कि मेरे को यूज्ड कार परचेज़ करनी है, सो आपका VIP नंबर या फैंसी नंबर यूज्ड कार के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको न्यू कार परचेज़ करनी पड़ेगी, उसी पे वो नंबर ट्रांसफ़र होगा। और जो सेकेंड चीज़ है, आपकी गाड़ी को मिनिमम 3 साल हो रखे हों आपके पास परचेज़ करे हुए, मतलब अगर आपने 2015 में कार ली है तो 2018 तक वो कार आपके पास होनी चाहिए, 3 साल से आप उसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल मिनिमम आपको वो नंबर यूज़ करना पड़ता है, उसी के बाद वो केपेबल होता है ट्रांसफ़र कराने के। सो ये दो शर्तें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि रिटेन होएगा कैसे। सो यार रिटेन के लिए जो है आपको पहले जोन सी भी आप कार परचेज़ कर रहे हो उसके शोरूम पे जाना पड़ेगा, वहाँ आप कार परचेज़ करवाओ, कार की बुकिंग स्लिप बनवाओ, बुकिंग अमाउंट दो कि हाँ मेरी कार बुकड हो गई है। वो बुकिंग स्लिप लेके आप अपनी अथॉरिटी जाओ, जहाँ का भी आपका नंबर आपको स्लॉट हो रखा है वो उस अथॉरिटी में आप जाओगे, वहाँ पे आप सारे फॉर्म फिलअप करो रिटेंशन के रिगार्डिंग, वो आपको फॉर्म दे देंगे, फॉर्म देंगे, उसके बाद ये बुकिंग स्लिप साथ में लगेगी। और आपकी फ़ीस लगती है यार, जैसे 10% होती है जो फ़ीस होती है ना,
जैसे 5 लाख रुपीज़ मैंने आपको बताया था मिनिमम बेस वैल्यू, 0001 की बेस वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, तो उसका 10% जो है, अगर आप 0001 यूज़ कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपीज़ जो है रिटेंशन फ़ीस लगती है। वो सारी फ़ीस आपको मिल जाएगी ऑनलाइन साइट पे, कौन से नंबर की कितनी फ़ीस है। मिनिमम 10% होती है, 0001 की 50,000 है, 1111 की मैंने 25,000 दी थी रिटेंशन के लिए। तो ये आपको फ़ीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी, सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, उसके बाद MLO जो है वहाँ के वो आपको साइन करके डेट देंगे एक, जिस पे आपको अपनी यूज कार लेके जानी पड़ेगी वहाँ पे। उसकी सारी इंस्पेक्शन होगी, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, वो सारा उसको एक बार चेकअप करेंगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है तो वो साइन कर देंगे और आपको फॉर्म दे देंगे ट्रांसफ़र का। वो फॉर्म आप लेके कंपनी जाओ, जो उनसे भी आपने कार बुक करी थी उन्हें जाके वो फॉर्म दे दो कि भाई हमारा नंबर का काम हो गया है रिटेंशन का। सो इससे क्या होगा, वो फॉर्म जो है सारा लगा देंगे और जो सा भी आपका पुरानी गाड़ी का नंबर है वो नई कार पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो नई गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हो उसका ऑटोमेटिकली जो नंबर आना है वो अपनी आपकी पुरानी कार पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोनों की RC आपको नहीं मिलेगी, सीधा आपके घर पे कोरियर हो जाती है आजकल, सीधा आपके पास RC आ जाएगी, नंबर प्लेट्स आ जाएंगी, वो सारा प्रोसेस। आपको सिर्फ एक अथॉरिटी जाके ये रिटेंशन फ़ीस देनी है, फॉर्म फिलअप करना है, कार की इंस्पेक्शन करानी है, इसके थ्रू आपका नंबर पूरा रिटेन हो जाएगा और आप इसके थ्रू अपना जो पुरानी गाड़ी का नंबर है नई गाड़ी पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो। यार बस ये दो चीज़ें थी कि मैंने बता दिया आपको, परचेज़ करने की और रिटेंशन की। तो बस ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है और आप इजीली अपना नंबर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा हर ब्लॉग में, ट्राई करूंगा देने की। सो आपको पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है बिल्कुल करें, बिना जाना ही नहीं है, और बेल बटन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और बस इसी के साथ यार आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपके साथ नए नए वीडियोस में नए नए कंटेंट के साथ।